नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कोमल किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं भरवा शिमला मिर्च रेसिपी। यहाँ मैंने भरवा शिमला मिर्च रेसिपी के लिए जो मसाला बनाया है अलग अंदाज में बनाया है, जैसे कि इस रेसिपी के टेस्ट को चार चांद लग जाएंगे, ये बहुत ही इमेजिंग बनेगी। चलो हम बनाते हैं भरवा शिमला मिर्च। बनाने के लिए हम ये शिमला मिर्च लेंगे, 5 शिमला मिर्च लिया है, जैसे 300 ग्राम के करीब है ये। हम बनाने के लिए इसको ये नोक के चाकू साइड से इसको अलग कर देंगे। इसको ऐसे पूरा कचरा निकाल देंगे, इसके अंदर से पेज पूरा निकाल देंगे। इस तरीके से हम पूरा ही निकाल देंगे, सभी मिर्च का ऐसे ही करेंगे। अच्छी तरह से अंदर से इसमें पूरा ये बीज निकाल दिए हैं। अभी हम इनको बनाने के लिए सामग्री चाहिए अपने को। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा वीडियो देखने से पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये हमारे मैंने आलू लिए हैं बॉईल किए हुए 2-4, इसको हमने कसकस कर दिए हैं। ये मूंगफली है, ये मैंने 100 ग्राम के करीब लिया है, इसको मैंने भून लिया है, भून के मिक्सी से पीस लिया है। ये 2 प्याज लिए हैं, इसको अच्छी तरह से कट कर लिए। 2 मिर्च लिया है, ये लहसुन का पेस्ट लिया है, इसमें आप अदरक का भी पेस्ट डाल सकते हो। और ये मैंने मसाला लिया है, हल्दी, मिर्च, नमक, गरम मसाला, चाट मसाला, धनिया। अभी हम इनको बनाने के लिए मसाला तैयार करते हैं। अभी हम शिमला मिर्च भरने के लिए मसाला तैयार करते हैं। कढ़ाई गैस ऑन की, गैस में तेल डाले हैं, ज़्यादा तेल नहीं डालना, मैंने रिफाइंड तेल यूज़ किया। आप कुछ कोई भी सरसों का तेल भी यूज़ कर सकते हो। देखो हमारा आलू गर्म हो चुके हैं, इसमें हम जीरा डालेंगे। जीरा डालने के बाद हम प्याज डालेंगे, प्याज भूनेंगे। अच्छी तरह से भुना देंगे, उनको ब्राउन होने तक पकने देंगे। प्याज ब्राउन हो रहे हैं, शिमला भरवा शिमला मिर्च बनाने का बड़ा आसान तरीका है। भरवा शिमला मिर्च बड़ी टेस्ट भी लगती है, बच्चे भी बड़े मन करके खाते हैं, तो बड़े शौक से खाते हैं। अभी हम इसमें लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अभी लहसुन और प्याज अच्छी तरह से भून चुके हैं। अभी हम इसमें जो मूंगफली भुनी हुई है मिक्सी से, सब मूंगफली डाल देंगे, बड़ा ही अच्छा टेस्ट होगा। अच्छी तरह से मिला देंगे। दूसरे जो आलू 2 उबले आलू जो कसकस किए थे वो डाल देंगे, इनको भी मिक्स कर देंगे अच्छी तरह। हमारे ये आलू डाले थे अच्छी तरह भून गए हैं, अभी हम ये पूरा मसाला डाल देंगे। ठंडा होने तक छोड़ देंगे, फिर ठंडा होने के बाद हम अभी हमारा मसाला अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। अभी जैसे ये ठंडा होगा हम इसे शिमला मिर्च में डाल देंगे। पहले से हमने देसी डाल दिए, फिर ठंडा होने के 5 मिनट तक ठंडा होने देंगे।
अभी हमारा ये पेस्ट ठंडा हो चुका है, अभी हम चम्मच के सहायता से इसमें डाल देंगे। ये हाथ से भी भर सकते हो, लेकिन मैं चम्मच से भरी, चम्मच से अच्छी तरह दबा दबा के भरूँ। देखो हमारा अच्छी तरह से भर लिया हमने। ऐसे ही हम सभी शिमला मिर्च को भर देंगे दबा दबा के। लास्ट तक मेरे वीडियो में बने रहिए। बहुत ही भरवा शिमला भरवा मिर्च आपको बहुत ही अच्छा टेस्ट मिलेगा। इसको हमने अच्छी तरह रख दिया, ये खाने में बहुत अच्छा टेस्ट होता है इसका, बच्चे भी इनको खूब पसंद करते हैं खाने के लिए। हम ऐसे ही सभी शिमला मिर्च को भर देंगे। हमने बहुत ही अच्छे तरीके से इनको मसालों से भर दिया है, अभी इनको और से फ्राई करेंगे। अभी हम मसाला तैयार किया था वही कढ़ाई लेंगे, इसमें थोड़ा ऑयल डाल देंगे, इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं डालना, 2 चम्मच ऑयल के करीब डालना है। इसको अच्छी तरह हाथ से फैला देंगे। चिमटे की सहायता से डाल रहे हैं कि ये तेल के छिंटे बहुत ऊपर आते हैं, आपने भी देख सकते हैं। मैं चिमटे की सहायता से डाल रहा हूँ, चिमटे सहायता से डाल रहा हूँ। ज़्यादा नहीं पकड़ लेंगे, ज़्यादा पकड़ेंगे तो ये सॉफ्ट एकदम सॉफ्ट हो जाएगी। हमारी शिमला मिर्च बन के तैयार हो चुकी है। इसमें हम जो ये देखो हमारी शिमला मिर्च बन के तैयार हो चुकी है, बड़े ही टेस्टी है, मसाला भी बड़ा टेस्ट बनाया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।